गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दो पीसी बिल्ड जो RTX 4080 के साथ हुए। तो किशन सर, ये दो पीसी बिल्ड में हम लोग क्या क्या अभी कंपोनेंट्स यूज किए? ओमकार भाई, ये आता है फर्स्ट 300K का ओनली सीपीयू, मतलब 3 लाख रुपए का पीसी है। काफी अल्टीमेट पीसी है जिसके अंदर मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल के सब कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं। इस पीसी का एक स्पेसिफिक रीजन है इतना महंगा बनने का, क्योंकि इन्होंने O11 EVO केस लिया है जो ब्लैक कलर का आता है। ये आता है फ्रंट भी टेम्पर्ड ग्लास, इस तरफ भी टेम्पर्ड ग्लास रहता है, लेकिन कस्टमर ने एडिशनली मेश किट बाय किया जिससे वो फ्रंट में 3 फैन ये भी इंस्टॉल करेगा। मतलब टोटली उनके यहाँ पर नॉन आरजीबी, ये पूरा कस्टमर डिमांड था। वो बोला है कि यहाँ पर है ना, मेरा ग्राफिक कार्ड को मैं वर्टिकल माउंट नहीं है, स्ट्राइट माउंट जैसा कराऊंगा। ये लियानली का एक स्पेयर आने वाला है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड फिक्स होगा, यहाँ पर इसके पीछे ये नॉन आरजीबी फैन चलेगा करके उन्होंने डीप कूल का ये वाला परफॉर्मेंस फैन FK120 सीरीज का लिया है। उसके अलावा हमने 3 फैन ये जो है ना बॉटम पे लगाया है इंटेक के लिए, 3 फैन का रेडिएटर LS720 डीप कूल का लगाया, तो ये हो गया फैन। उसके अलावा फ्रंट मेश किट फिक्स करके वहां पर हम ये 3 NZXT के फैन भी लगाने वाले हैं। तीन तो यहाँ पर हो जाएंगे, 1 NZXT का बैक ये फैन भी NZXT का रहेगा। तो ये एक स्पेसिफिक कस्टमर का डिमांड था, उसके हिसाब से हमने ये बिल्ड किया, जिसके अंदर हमने 16 GB के 2 XPG के रैम इंस्टॉल किए हैं 6000 MHz के, जो आप देख सकते हो RGB का रहता है। और ये वाला आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, 10 साल वारंटी रहता है इसके अंदर। एक आता है लेंसर सीरीज और एक कैसल सीरीज का, ये कैसल सीरीज का हमने रैम यूज किया है। उसके अलावा भाई, इनका जो प्रोसेसर है, हमने इंटेल कोर i7-13700K सीरीज का प्रोसेसर यूज किया, काफी अल्टीमेट प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर i9-12th generation से भी यार परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी कस्टमर का पसंदीदा ब्रांड इंटेल की तरफ से एक अच्छा प्रोसेसर बोल सकते हो। ग्राफिक कार्ड मेन यार इस पीसी के अंदर ब्यूटी बोल सकते हैं, RTX 4080 गेमिंग एक्स ट्रायो MSI। देखिए प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं, गीगाबाइट, MSI, ASUS, जोटेक, हर ब्रांड का एक प्रीमियम लेवल का ग्राफिक कार्ड रहता है। MSI का भी उसी तरफ से गेमिंग एक्स ट्रियो एक बेस्ट मॉडल है जो ट्रिपल फैन के साथ में आता है। उसके अलावा कस्टमर के पास में ये पुराना गोल्ड रेटेड भी नहीं है, ब्रॉन्ज रेटेड भी नहीं है, जस्ट 80+1000 watts का पावर सप्लाई था। उन्होंने बोला यार टाइम बीन के लिए जब तक 3.0 वाले नहीं आते हैं पावर सप्लाई, ATX 3.0 वाले, तब तक मैं यही पावर सप्लाई को यूज करूंगा। टेम्पररी के लिए उन्होंने 1000 watts का ये वाला पावर सप्लाई यूज किया। AEO के बारे में मैंने बता दिया था, डीप कूल के अंदर कैसल सीरीज, गेमएक्स सीरीज से भी ये टॉप एंड सीरीज रहता है LS720 सीरीज का कूलर, जिसके अंदर इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में आता है, काफी अच्छा AEO है। इसके बारे में और ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आता है और काफी अच्छा AEO है, जो अपना प्रोसेसर को आइडियली टेम्परेचर 60-70 degrees के अंदर रखेगा। आज के टाइम के अंदर इंटेल के जो प्रोसेसर है 100 degrees भी चले जाए तो भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि वो आइडियल हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं यार मदरबोर्ड इनके लिए जो यूज किया मैंने, ROG Strix Z690 गेमिंग वाईफाई सीरीज का। ये मदरबोर्ड काफी अच्छा मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो यार डिजिटल VRAM भी काफी अच्छा आता है, 16+2 डिजिटल फ्रेम है। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट वगैरह सब कुछ रहता है, 3 M.2 स्लॉट रहता है, Gen 5.0 PCI Express भी है इसके अंदर, वाईफाई 6 रहता है, Bluetooth 5.0 इसके अंदर इनबिल्ट आता है, 4 RAM स्लॉट रहेंगे, DDR5 मॉड्यूल जो आप 32x4 64x4 RAM भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इंटेल कोर i3 i5 i7 जो भी है 12th and 13th generation ये प्रोसेसर आपका सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड है। और ये पीसी 1250 या 1050 वॉट्स का कूलर मास्टर का 3.0 का पावर सप्लाई लगाकर एक ऑलमोस्ट एक 3,10,000 तक ये पीसी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पीसी मैंने स्पेसिफिकली सर के लिए बिल्ड किया, उनसे ही पूछेंगे ये उनका एक्सपीरियंस कैसा है और पीसी क्या यूज के लिए। हाय सर। हेलो। हाय सर, आपका नाम सर? विवेक। हिंदी ओके ना? हाँ, चलेगा। तो आपने ये पीसी आज खरीदा है, लेकिन आप मेरे स्टोर के बारे में कैसे जानते हो? तो आई गॉट अ नोट थ्रू YouTube। Okay. And I also came once for like, you know, a quotation and okay. I saw there was a lot of youngsters. Okay. So I could see that, you know, there's a growing trend here. So I thought, why not? Okay. So what's the exact use with this PC, sir? So mainly I bought it so that I can do some work on it. Mm-hmm. So I'm into technical, so coding stuff. So that is one part. And also like, you know, you can game with it. So I thought, okay, that's another benefit added okay. to it. You got on release date only 4080 graphic card, correct? Yes. How's your buying experience? So buying experience is good. They respond very well. You respond very fast. Like even before I finished the call, I already have price and other information on my WhatsApp. So that's very good. I think one point is disappointed you. I am saying straightly, you not got a mesh kit because it's out of stock. Right. But we promised
promise we can deliver in a next week or next 10 days. Okay, right. Why you installed this specific non-RGB fans and why NZXT extra fans you purchased? Can you explain to my customers? So actually this is not supposed to be horizontally mounted. It should be upright mounted. So the upright bracket is again not in stock. So when that comes in, this can get mounted here. So these three fans at the back will get covered by the GPU anyway. So you can pull air this way. Okay. So all the hot air goes out just like that. And here the front mesh kit will come. So then these fans would also like sit well here. Basically side and this would be intake. That and this would be exhaust. That was basic idea. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I hope you are totally satisfied with our prices and services. Yes. Okay. So bhai, vertical mount to aapne suna hai. Upfront mount karenge. Graphic card yahan par mount karne wala hai, sir. Unka kit aane wala hai. Build hone ke baad mein again ek mahine ke baad mein wo kit wagera hum install karenge. Aur chalo abhi to yaar end nahi hai. Ek aur build dikha do aapko white and white theme ka. Omkar bhai abhi aate hai yaar next ultimate white theme ka PC. Chalo aapko main dikhata hu. Dekho ek baar. Yaar lights wagera on nahi hai. Ye dekho yaar iski beauty. Kya bolu aapko ek next level ka PC hai. Chalo lights thoda off kar deta hu main. Off karke aapko dikhata hu taki iska ek view ka aap maza le sako. Isko abhi customization karna hai Fantex ke fans ko aur case ke fans ko. Fir bhi dekho yaar looks kitna ultimate sa raha hai. Ek next level ka PC hai ye. Is PC ke andar humne Aero series ka ek theme PC isko bol sakte hai. Kafi white and monitor bhi yaar iske andar humne use kiya. Wo monitor bhi dikhaunga. Video end tak dekhna bhai. Kyun 4,80,000 nahi hai. Iska budget ja raha hai 5,00,000 rupees ke andar. Jiske andar humne gaming wheel aur shifter bhi include kiya hai. 5,00,000 rupees bhi koi ek chota amount hota nahi hai. Chalo abhi to ye dekh liya apne inside the view. Abhi dikhata hu main ek ek components aur is PC ko banane mein kya mehnat lagi hai. Jaise ki dekhiye aapko is PC ke case ke andar aapko ye graphic card ke bare mein batata hu. Ye graphic card hai na iske sath mein jo bracket aata na itni achhi tarah se ho sakta hai taki ye graphic card kitna bhi weight rahe niche tilt na ho. So friends 4080 series ka jab bhi aap gaming OC ya Aero series ka vrti graphic card lete ho ek cheez ka dhyan rakhna O11 EVO jo dynamic aata hai na wahi series ka case lena. O11 agar aap case leoge आपका ग्राफिक कार्ड यहाँ पर परफेक्टली फिक्स नहीं होगा, ग्लास क्लोज नहीं होगा. EVO थोड़ा सा वेटती आता है इसीलिए वो हो जाता है. इसके अंदर हम कंपोनेंट्स दिखाते हैं एक एक करके क्योंकि यार प्रोसेसर मेन हार्ट रहता है कंप्यूटर का. प्रोसेसर अगेन इंटेल कोर i9-13900K हमने यूज किया. जो प्रीवियस बिल्ड के अंदर था वो i7 था, इसके अंदर i9 है 13900K. काफी अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है जो प्रीवियस जनरेशन से 30% तक हायर परफॉर्मेंस देता है. उसके अलावा इसके अंदर इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड आता है. जो कस्टमर अभी के लिए ग्राफिक कार्ड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जैसे कि 4080 जिनको चाहिए उनको तो मिल गया, जिनको 4070 के लिए वेट करना है उनके लिए भी ये ग्राफिक प्रोसेसर काफी अच्छा है ताकि वो ग्राफिक कार्ड अभी इंटीग्रेटेड यूज कर सके. नेक्स्ट आते हैं भाई इनके लिए जो कंपोनेंट यूज किया हमने स्टोरेज हमने यूज किया 980 सीरीज का मेन स्टोरेज. प्रो सीरीज का यूज किया जो Gen 4 SSD है 7000 MBPS का आता है और सैमसंग का SSD आप जानते ही हो काफी प्रीमियम है और 5 साल का वारंटी के साथ में आता है. नेक्स्ट आते हैं भाई मदरबोर्ड Z790 Aero सीरीज का मदरबोर्ड है Aero G जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दो टाइप सी पोर्ट आ जाते हैं. आप खुद देखिए दो टाइप सी पोर्ट है, DDR5 सेगमेंट का सपोर्टेड है, 3-3 M.2 स्लॉट रहता है, PCI Express Gen 5.0 टेक्नोलॉजी का इजिली सपोर्ट करता है. और मैं इससे ज्यादा इस बोर्ड के बारे में नहीं बोलूंगा. इस मदरबोर्ड के अंदर वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ आएगा, वाईफाई 6 आएगा, USB 3.2 एंड 20 Gbps/s के हिसाब से रीड एंड राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट भाई हमने इनके लिए जो रैम यूज किया 32 जीबी की रैम यूज किया जो किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट की तरफ से आता है. 32 जीबी की दो रैम लिया, I mean 64 जीबी लिया. इन फ्यूचर में चाहिए तो आप 64 के ऊपर 128 तक भी अपग्रेड कर सकते हो. 5200 MHz की रैम है, CL40 सीरीज के अंदर आती है और RGB सेगमेंट की रैम है. भाई आप खुद देख सकते हो इसकी व्यू कितनी क्वालिटी है और 10 साल तक रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है. मेन इनके लिए जो केस के फैन यूज किया हमने कोर्सर के SP120 सीरीज के 6 परफॉर्मेंस फैंस यूज किए जो इस साइड में और बॉटम के अंदर 6 फैन हमने इंस्टॉलेशन किए जो कोर्सर की तरफ से आते हैं. नेक्स्ट भाई PSU XPG का 1300 वॉट्स का प्लैटिनम ग्रेड का हमने यूज किया. हालांकि गोल्ड रेटेड का 1050-1200 वॉट्स का भी चल जाता लेकिन यार XPG का काफी प्राइस पॉइंट में भी अच्छा था और प्लैटिनम ग्रेड का पावर सप्लाई ये फुल्ली मॉड्यूलर है, 10 साल वारंटी के साथ में आता है, इसलिए हमने ये पावर सप्लाई यूज. फिर इनके लिए हमने जो माउस यूज किया रेजर की तरफ से वाइपर अल्टीमेट माउस है जो वायरलेस व्हाइट एंड व्हाइट आता है. और कीबोर्ड भी हमने लिया डेल Alienware की तरफ से आने वाला काफी भारी भरकम कीबोर्ड लिया ताकि एक लुक्स भी प्रॉपर दिख सके. और इसके अलावा भाई हमने इनके लिए जो AU यूज किया वो आप देख सकते हो Fantex का Glacier 1 360 MPH सीरीज का है. यार ग्लेशियर की जैसा ये
ठंडा रखेगा अपने प्रोसेसर को। ऐसे ही मजाक कर रहा था, काफी अच्छा कूलर है जो टेम्परेचर 60-70 डिग्री के ऊपर क्रॉस करने नहीं देता है। नेक्स्ट भाई ये है, नेक्स्ट नहीं, सभी लोग फर्स्ट में बताते हैं लेकिन हमने लास्ट में बताया आपका, ये है एरो 4080 ग्राफिक कार्ड। बॉक्स से भी ज्यादा यार रियल आउटपुट ब्यूटी आप खुद देख सकते हो, काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है जो फाड़ू बोल सकते हो, 3090 Ti से भी काफी अच्छा परफॉर्मिंग ग्राफिक कार्ड है। तो भाई 5 लाख के जो पीसी में है ना यार, अल्ट्रा वाइड मॉनिटर इसको देखिए यार, इसको बोलते हैं ब्यूटी, सैमसंग का अल्टीमेट मॉनिटर है। मतलब यार ये हाथों में ना आए वैसा वाला मॉनिटर है, 1.25 लाख रुपए से भी महंगा वाला मॉनिटर है। गेमिंग व्हील G29 इनके लिए लिया है, शिफ्टर लिया है, गेमिंग एक्सपीरियंस एक अल्टीमेट लेवल का होने वाला है जो आपका पूरा पैसा वसूल बोल सकते हो। 5 लाख रुपए जब कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है तो यार कोई छोटा मोटा क्यों सेटअप बनाएगा, इतना हाई रेंज मॉनिटर विद बैक स्पीकर ही मतलब इतना बूफर जैसा लगा हुआ है और अल्ट्रा वाइड है, कर्ड देखो, रियल कर्ड गेमिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर आने वाला है आपका। यहीं पर वीडियो एंड नहीं होता है, चलो और देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, न्यू एज वेंडर और SCL गेमिंग दोनों चैनल को, और वीडियो आगे से आगे शेयर करना ताकि यार आपका भाई का मेहनत आपको तक लोगों तक पहुंच सके। ओके थैंक यू सो मच किशन सर, और गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग RTX 4080 के कंप्लीट 2 PC बिल्ड। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस, बाय बाय।